नमस्कार, संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 24 घंटे में सामान्य से 3 डिग्री नीचे गिरा तापमान, 14 से साफ होगा आसमान। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में रविवार को आसमान में बादल छाए हुए हैं। तेज हवा व गरज के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की माने आगामी 13 मई तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। आगामी 14 मई से आसमान फिर से साफ हो सकता है। अगले एक हफ्ते अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच कायम रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। यहाँ पर 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे रहा। यहाँ का तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में बारिश 2.2 mm रही। हवा में आर्द्रता अधिकतम 72% व न्यूनतम 52% दर्ज किया गया। मदर्स डे पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा, माँ खुद में ही पूरी संसार है, सभी माताओं को अभिनंदन। आज मदर्स डे है, यानी माँ का दिन। वैसे तो हर दिन माँ के लिए समर्पित है, लेकिन आधुनिकीकरण ग्लोबल होती दुनिया ने माँ से प्यार जताने के लिए एक दिन का समय दे दिया है। मई माह के दूसरे रविवार को पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग अपनी माँ के प्रति प्यार को जता रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री सहित कई नेता भी पीछे नहीं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंटरनेट मीडिया पर माँ की फोटो के साथ लिखा, माँ खुद में ही पूरी की पूरी संसार है। खबर है झारखंड के रांची से। बीमार पिता के लिए दवाई लाने गया था बेटा, लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने लिया चपेट में, हुई मौत। रांची के लापुंग इलाके में हुई सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। लापुंग थाना क्षेत्र के फतेहपुर ककड़िया सड़क पर हादसा हुआ, जिसमें डाडी पहाड़ टोले निवासी मानू मुंडा उर्फ मनु होरो की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मानू मुंडा उर्फ मनु होरो अपने बीमार पिता टोयो मुंडा के लिए दवा लेने के लिए सुबह 8:30 बजे के करीब जरियागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गया था। वहां से लौटने के क्रम में रविवार की सुबह 9 बजे लगभग विपरीत दिशा से आ रहे एक चार पहिया अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। खबर है झारखंड के पलामू से। दुल्हा दुल्हन सवार कार ने सड़क क्रॉस कर रहे दो लोगों को मारी टक्कर, दोनों लोग हुए जख्मी। नव दंपति को दूसरी गाड़ी से भेजा गया घर। ठाप गांव में NH 98 पर रविवार को सड़क पार कर रहे दो ग्रामीणों को तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। ड्राइवर शादी के बाद दुल्हा दुल्हन को लेकर वापस आ रहा था और इसी दौरान सड़क क्रॉस कर रहे दो लोगों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों जख्मी हो गए। लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। कार सवार दुल्हा दुल्हन को दूसरी गाड़ी से उनके घर भेजा गया। खबर है झारखंड के चाईबासा से। मंदिर से घर लौट रहे दंपति के साथ हादसा, अनियंत्रित ट्रेलर ने पति को कुचला, पत्नी बाल बाल बची। नशे में धुत जख्मी ड्राइवर ने स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों से भी की बदतमीजी। झिकपानी थाना क्षेत्र के झिकपानी के पास रविवार को सड़क के किनारे चल रहे युवक को अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की पत्नी इस हादसे में बाल बाल बच गई। ट्रेलर भी कुछ आगे जाकर पलट गया। जख्मी ट्रेलर का ड्राइवर नशे में धुत था और उसने अस्पताल में स्वास्थ्य व पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी भी की। दंपति मंदिर से अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह घटना हुई। खबर है झारखंड के लातेहार से। लातेहार में मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा, डैम में डूबने से दो सगे भाई समेत 3 बच्चों की मौत। बालूमाथ थाना अंतर्गत बालू गांव में रविवार को नौका बांध डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में से 2 सगे भाई हैं। हादसा नहाने के दौरान मछली पकड़ने की वजह से हुआ। तीनों बच्चे मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में चले गए और डूब गए। डैम के पास मौजूद कुछ बच्चों ने शोर मचाया तो ग्रामीण वहां पहुंचे और तीनों को बाहर निकाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में 13 मई तक घर से काम करेंगे शिक्षक। आरयू कार्यालय, विश्वविद्यालय स्नातकों उत्तर विभाग, संबंध कार्यालय और विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में 13 मई तक घर से काम करने की व्यवस्था लागू रहेगी, जबकि जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय पदाधिकारी व कर्मचारी UGC दिशा निर्देशों और सरकारी निर्देशों के अनुसार कार्यालय में काम के लिए बुलाए जा सकते हैं। शनिवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में हुई COVID-19 सेल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, साथ ही परीक्षा संबंधी कई निर्णय भी लिए गए। आप सबको बता देना चाहता हूं कि बैठक में यह तय हुआ कि ऑनलाइन परीक्षा का संचालन अगले आदेश तक जारी रहेगा। झारखंड के सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ। झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों और
कर्मचारियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों, जिसमें अल्पसंख्यक विद्यालय भी शामिल है, सरकार की ओर से स्वीकृत पदों के विरुद्ध वैध रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन के लिए 2,24,48,56,000 रुपये सहायता अनुदान से संबंधित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है। झारखंड के उर्दू शिक्षकों को मिलेगा अवधि विस्तार। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षक के स्वीकृत 4,401 पदों का अवधि विस्तार और वेतन मद में 55.80 करोड़ रुपये की राशि को भी सीएम ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि राज्य में वर्तमान में उर्दू शिक्षक 4,401 पदों के जगह 689 शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड के थानों में बंद ऑक्सीजन सिलेंडरों का होगा इस्तेमाल, डीजीपी का निर्देश जारी। झारखंड में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए डीजीपी नीरज सिन्हा ने निर्देश जारी किया है कि थाने के मालखानों में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल आम जनता के लिए हो। राज्य के विभिन्न थानों में करीब 250 सिलेंडर पड़े हैं। ये सभी सिलेंडर पुलिस ने जब्त किए हैं। इनका अस्थायी रूप से इस्तेमाल होगा। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से विशेष सुनवाई में जल्द से जल्द थानों के मालखाना में जब्त सिलेंडर को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया गया था। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इसी निर्देश के आलोक में डीजीपी ने यह कदम उठाया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कोविड में इस्तेमाल हो जाने के बाद जिला प्रशासन को वापस सारे सिलेंडर थाना के मालखाने में जमा कराने होंगे। खबर है झारखंड के घाटशिला से। लॉकडाउन में पढ़ाई छुट्टी तो हुनर निकलकर बाहर आया, बच्चे ने कचरे से बना दिया ब्लूटूथ हेडफोन। अमाई नगर में रहने वाले राज ने एक मल्टीपर्पस यंत्र बनाया है, जिसे हेडफोन के साथ ही एक तरफ रेडियो, टॉर्च और छोटे पंखे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कमाल या आश्चर्य की बात यह है कि केशव धीवर के 11 वर्षीय बेटे ने यह काम एक तो कचरे से किया है और दूसरे बगैर किसी ट्रेनिंग के। बताया जाता है कि यह हेडफोन 200 मीटर की दूरी तक फोन रखकर ब्लूटूथ रेंज से इस हेडफोन को चलाया जा सकता है। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।